हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का स्वागत करता हूँ। और अब जो हम डिस्कस करेंगे वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, और टॉपिक जो है हमारा वो ये है कि हाउ टू थिंक इन द नेट एग्जाम, कि नेट एग्जाम के अंदर हमें कैसे सोचना है, कैसे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है, किसको कितना टाइम देना है और कैसे हमें वर्क करना है। ओके, ये सभी चीजें जो है हम एक बार डिस्कस करते हैं और वो सभी चीजें जो है आपको अपनानी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क बता देता हूं आपको। जैसा कि हम जानते हैं पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, यहां कितने क्वेश्चन होते हैं, 20, 40 और 60, ये हमारे क्वेश्चन होते हैं। और एवरेज स्टूडेंट के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना होता है जो सबसे इजी हो। और कहा जाए तो एवरेज क्या, सभी को यही करना चाहिए। क्योंकि पता क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हमें पेपर मिलता है ना, तो स्टार्टिंग के दौरान हमें पेपर मिलता है तो स्टार्टिंग की 5-10-15 मिनट, क्या 5-10-15 मिनट तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी नहीं आता। बट जैसे जैसे टाइम क्रॉस होना स्टार्ट होता है और हमारे जो क्वेश्चन है वो होना स्टार्ट होते हैं, और फिर हमें ये लगता है हाँ पेपर मुझे आता है। और वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ना उसको सीरियल वाइज स्टडी करते हैं एग्जाम को। जब हम पेपर को डायरेक्ट क्या करते हैं, 1-2-3 ऐसे सीरियल वाइज देखते चलते हैं, तो वहां से हमारा जो मोरल है, जो कॉन्फिडेंस है, वो डाउन हो जाता है। और वहां से फिर जो किसी भी क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हमें ये लगता है ये तो हमें आता ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो हमारा ये है, कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हुए चलना और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना। और पार्ट ए को स्टार्टिंग में मत करना। पार्ट ए को क्या है, स्टार्टिंग में आपको नहीं करना है। सबसे पहले आप क्या करो, पार्ट बी के ऊपर आओ। और पार्ट बी के अंदर क्या करो, आप टेंस जो है लीनियर एलजेब्रा और रियल के ये क्वेश्चन देखो, कि इजी क्वेश्चन इनमें से 6-7 इजी क्वेश्चन सर्च करो। फिर वही कॉम्प्लेक्स के अंदर इजी देखो, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, ग्रुप थ्योरी, यानी कि जो इजी क्वेश्चन है वो 10 क्वेश्चन आप सर्च कर लो जो इजी क्वेश्चन हो। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। बट 10 वो क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, टाइम आप चाहे 5 मिनट लो सर्च करने में, बट 10 वो जो क्वेश्चन आप सर्च करके लोगे वो 10 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये तो रॉन्ग हो ही नहीं सकते। और 10 यहां से अगर आप ले जाते हो, 3 नंबर का एक है, तो 30 नंबर आपके पास यहां से आ गए। ये आने के बाद और यहां पे जो टाइम आपको लगाना है 30 क्वेश्चनों के लिए, आप मान के चलो आप दे दीजिए यहां 40 मिनट, क्योंकि 40 मिनट में जो है आपको 10 क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ये होने के बाद आप आ जाइए पार्ट सी के ऊपर, और पार्ट सी में फिर से वही आप क्वेश्चनों को सर्च करो, उन क्वेश्चनों को सर्च करो जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, आपको आते हो। और यहां पे जो है 10 क्वेश्चन वन टाइम में सर्च करना नॉट ए इजी। यहां आप 5 क्वेश्चन सर्च करो कोई भी, कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन तो इजीली मिल जाते हैं हमें, रियल है, लीनियर है, कॉम्प्लेक्स है, एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा या अप्लाइड पोर्शन है, 5 क्वेश्चन तो इजीली हमें मिल जाएंगे। 5 यहां से सर्च करो, एक क्वेश्चन जो है यहां से 4.75 का, अगर आप 5 अटेम्प्ट करते हो तो ये हमारे पास हो जाएगा 5, 35, 37, 23 और 30, ये तो करीब करीब हमारा दोनों का जो सम है। अच्छा, इनको करने में आप ले लीजिए टाइम में, कितने 5 क्वेश्चन करने हैं आपको, यहां ले लीजिए आप 20 मिनट, 40 यहां हो चुकी, 20 यहां हो चुकी, यानी कि हमारे पास जो टाइम है, टाइम हम कितना यूज कर चुके, टाइम हम यूज कर चुके 60 मिनट। ओके, और कितने का हम अटेम्प्ट कर चुके, 30 का यहां से कर चुके, 23 का यहां से कर चुके, हम कर चुके 53.75 का 1 आवर के अंदर। 1 आवर हो चुका और हमने कितना अटेम्प्ट कर लिया, 53 नंबर का अटेम्प्ट कर लिया, जो कि बहुत अच्छा स्कोर है।
अब आगे जो है, अब आइए पार्ट ए के ऊपर। और पार्ट ए के अंदर आप जो है 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए, 20 में से 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करना, नोट हार्ड वर्क, 5 मिनट 6 मिनट जितनी भी आपको लगती है। अच्छा पता क्या, मैंने कई स्टूडेंट पता क्या करते, क्वेश्चन को सोल्व करने लग गए, न्यू आप बीच में छोड़ दिया। ऐसा मत करो, दिखने से आपको यह पता चल जाता है ये क्वेश्चन आपको आता है या नहीं। क्या क्वेश्चन को देखने, आपको जो ये लगता है ना कि लेंथी है या इसमें आप ज्यादा टाइम लोगे, स्किप कर दो। उन क्वेश्चनों को करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता जिसको सोल्व करने में आपने 15 मिनट लिए और आपको 2 नंबर मिले, कोई भी बेनिफिट नहीं है ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने का। मतलब ये है, सपोज करो मैं आपको ये कहूं कि आपको है ना क्या करके लेके आना है, मैं आपको ये कहूं आप ना कि एक काम कीजिए, एक मिठाई लेके आइए। मैं कहता हूं आपको रसगुल्ले लेके आने, आपको आप लेने गए और एक दो स्टूडेंट को बोल दे, एक स्टूडेंट क्या करता है, मैंने उसको बोला और वो क्या है 2000 किलोमीटर से लेके आया तो उसको आने जाने में लग गया, तो उसको जो वो रसगुल्ले है वो पड़ गए, उसको जो लगे वो सब आने जाने का खर्चा मिला के वो उसके रुपये लग गए 5000 रुपये। और एक दूसरा वो पास से ही लिया है, उसके रुपये लगे 100 रुपये, दोनों लेके आए हैं, तो बेटर किसको कहेंगे जिसके 100 रुपये लगे। सिमिलरली हमारा जो वर्क है वो कोर्स, ये हमारा ये वर्क नहीं है कि हमें नॉलेज है या नहीं, हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि वो जो 3 घंटे हमें दिए गए हैं उसके अंदर हम अच्छा वर्क करते हैं या नहीं। कई ऐसा होता है जिनके अंदर नॉलेज बहुत अच्छी है बट वो जो 3 घंटे मिले वहां उनका दिमाग खराब हो गया, स्टार्टिंग के 3 4 गलत हो गए, फिर तो सारे गलत करते चले गए वो, और स्टार्टिंग की जो परफॉर्मेंस है अगर वो रॉन्ग है तो वो रॉन्ग ही होती है। जैसे सपोज करो आपने ये देखा हो कि कई बार हम किसी सीरियल को देखते हैं या किसी मूवी को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में देखी हमने वो अजी अच्छी नहीं लगी हम तुरंत बदल देते हैं, ये तो खराब ही होगा। वही हमारी रियल लाइफ में भी होता है, अगर स्टार्टिंग की प्रोफरेंस, अगर स्टार्टिंग का वर्क जो है हमारा वो अच्छा नहीं हुआ तो लास्ट में भी अच्छा नहीं हो पाता, इसलिए क्या है स्टार्टिंग जो है वो बेस्ट देनी होती है। यहां आइए और यहां से 5 क्वेश्चन को सिलेक्ट कीजिए, कितने क्वेश्चनों को 5 कर दीजिए, कितनी मिनट के अंदर, 15 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन, क्योंकि यहां इतने ज्यादा वैसे नहीं होते, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 10 नंबर यहां से आ गए, 53 थे 10 यहां से आ चुके हमारे पास, तो ये हमारे पास कितने हो चुके, ये हो चुके हमारे पास 63.75। और टाइम जो हो चुका वो हो चुकी हमारे पास 5 मिनट, चलो सिलेक्ट करने की 80 मिनट, कितनी हो गई 80 मिनट हो चुकी हमारे पास। और अभी जो नंबर का जो हमारा एग्जाम हुआ है वो हुआ है 63.75 का। ओके अभी फिर से आइए किनके ऊपर, पार्ट बी के ऊपर। और अब जो पार्ट बी के ऊपर क्वेश्चन सिलेक्ट करना वो इजी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन आते थे वो तो हम 10 कर चुके, अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े टिपिकल टाइप के जिन पे हमें सोचना होगा और हमें सिलेक्ट करना होगा कौन से ले कौन से ना ले, तो अब की बार यहां से 10 डायरेक्ट सिलेक्ट करना इजी नहीं होगा, यहां से हम लेंगे 5 क्वेश्चन। अब की बार कितने क्वेश्चन लेंगे 5 क्वेश्चन, अब सोचने में भी टाइम लगेगा और सोचने में हम लेंगे 10 क्वेश्चन। सोचने का मतलब ये है कि सिलेक्ट करने में कौन से 5 ले। ओके 10 मिनट तो ली हमें इन क्वेश्चनों को सर्च करने में 5, और फिर अब और इनको करने में जो हमने ली 25 मिनट हमने करने में ले ली, 5 मिनट दे रहा हूं एक क्वेश्चन के लिए, 5 मिनट इज द इनफ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है वो आपको ना दे, सोचना पड़े, यानी कि 35 मिनट हो गई और 35 मिनट में आपने 5 क्वेश्चन सर्च कर लिए, 35 ऐड कर दीजिए मिनट, कितनी मिनट हो जाएगी ये 115 मिनट, और 5 क्वेश्चन मतलब कि 15 नंबर का। अच्छा एक गलती तो मत करना प्लीज, पता चले वो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करे और पांचों के पांचों रोंग है, ऐसा मत करना। टाइम आपको इसलिए दिया है 10 मिनट सर्च करने के लिए कि उन क्वेश्चनों को देखो जो आपको आते हैं, 15 मिनट 15 नंबर यहां से मिल गए आपको। आपके नंबर जो हो चुके वो हो चुके 78.75 और जो टाइम है चलो 40 मिनट लगा लो,
और आपका जो टाइम है वो कितना हो चुका, 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे हो चुके। कितना टाइम हो चुका, 2 घंटे हो चुके। और अभी आपका जो एग्जाम है वो कितने नंबर का हुआ है, 78 नंबर का हुआ है। ओके, यहां से हमने पहले कितने सिलेक्ट किए थे, 5, फिर से वही। अब फिर से हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन हम सिलेक्ट करेंगे। कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, 5 क्वेश्चन यहां से। और 5 क्वेश्चन जो है वही चीज, 10 मिनट तो सर्च करने की और 10 मिनट करने की, यानी कि 30 मिनट फिर से पार्ट सी पे आइए और कितने क्वेश्चन सिलेक्ट करके आइए, 5। वही 20, 5 करने से कितनी, 30 मिनट और देने से कितनी हो जाएगी, 150 मिनट। और पेपर कितने नंबर का हो चुका होगा, पेपर हो चुका होगा 78.75 और 23.75, 0, 5, 2, ये पेपर हो चुका आपका 102.50, यानी कि 102.50। ओके, ये आपका हो चुका और 30 मिनट आपके पास शेष है। अब ये जो 30 मिनट है ये आपके लिए है, आपके लिए मतलब इसमें जो है आप, आपको लगता पार्ट सी के आपको करना है, पार्ट सी के कर लीजिए जो आपको आते हैं, क्योंकि यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आपका जो टारगेट है ऐसे आपको वर्क करना, 102 ये हो चुके और 10-12, अच्छा नेगेटिव में मत लेके जाना। अब ये जो नंबर ना पता चले मैंने आपको 102 दबाए, आप पार्ट बी और पार्ट ए पे लग गए 102 से, फिर आप 78 या 99 पे रुक गए और कट ऑफ 100 पे चली गई, इसलिए इसे प्लीज कम मत करना। इंक्रीज कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो इतना ही रोक देना, क्योंकि यहां पे क्या है हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, एक एक नंबर, एक एक पॉइंट। ओके, ऐसे आपको वर्क करना है और ऐसे वर्क करोगे आप डेफिनेटली क्वालिफाई कर पाओगे। इसलिए सबसे पहले जो आपका ये है, सबसे पहले आपका जो टारगेट है वो ये होना चाहिए कि आपको पहले तो नेट का स्कोर कवर करें, पहले तो आप ये करो कि 100 का स्कोर कवर करो, उसके बाद आगे देखो कि हाँ ये हो। कई बार क्या होता है स्टूडेंट करता रहता है, उसको ये नहीं पता चलता कितने नंबर का हो गया, वहीं पे सारी चीजें कैलकुलेशन कर लो। पता क्या है, जब मैंने एग्जाम दिया था ना, मैं सभी कैलकुलेशन लेके चला हुआ था कि मेरा इतने नंबर का हो गया, ये हो गया, और जैसे ही मैं बाहर आ गया था मुझे पता था मेरा JRF है, और वही होता है। अच्छा ना, तो क्या होगा, पूछे यार क्या हुआ, देखते हैं रिजल्ट आएगा तब, रिजल्ट क्या पता है हमें क्या आना है, और सबको पता होता है जिसका जैसी तैयारी है जैसा रिजल्ट है। ऐसे आप सिस्टम, आपके पास जो देखो 180 मिनट जो है, 3 आवर जो है, ये आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, आपने क्या सीखा हुआ क्या नहीं सीखा हुआ, आपकी नॉलेज है अच्छा है, नॉलेज मान लो आपकी नॉलेज अच्छी है, एग्जाम में नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए क्या है, ऐसे है, और ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं करना है कि मेरी तो तैयारी हो चुकी, मुझे तो सब कुछ आता है, एग्जाम में देखेंगे, नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो प्रॉब्लम करता है। और सबसे अच्छी बात पता क्या है, कि हमें जो है अपना जो कर्म है वो करते रहना चाहिए। देखो क्या है, जब जो है महाभारत के अंदर अगर मैं बात करूं, कौरवों की अगर बात करूं, जो उनके गुरु थे उनको पता था कि जो पांडव है उनकी जीत होने वाली है, क्योंकि वो धर्म के साथ थे, बट उनके जो गुरुजी है वो पांडव के साथ, उसे कौरवों के साथ थे, उनको पता था कि उनकी पराजय होगी, तब भी वो उनके साथ थे, क्योंकि वो अपना कर्म कर रहे, वो बंधे हुए थे उनके साथ। सिमिलर वे में मैं आपको कहूंगा, आप अपना कर्म करते हुए चलिए, ये मत सोचिए आपका नेट एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमारा ये मैटर नहीं, हमारा ये मैटर है हम अपना बेस्ट देंगे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, जो होता है वो अलग मैटर है, बट हम अपनी तरफ से पूरा 101% देने वाले हैं, अपना प्रयास करने वाले हैं। नहीं होगा ठीक है कोई नहीं, ट्राई तो किया, देखो ट्राई करने वाला बेस्ट होता है एज कंपेयर टू ट्राई ही नहीं किया। और पता क्या है, बहुत सारे के अंदर तो मैं ये जानता हूं क्या है, डरते है, डरते मींस ये है, कई कॉलेजों में लेक्चरर है, गेस्ट एडोप पे लगे हुए, गेस्ट टीचर है, वो क्या है, वो नेट की तैयारी करते वक्त ना प्रॉब्लम में आते, वो ये सोचते हैं कि यार मेरे स्टूडेंट वहां होंगे, मैं तैयारी करूंगा, मैं कैसे करूं, कुछ नहीं है। सीखते वक्त कभी भी ये मत सोचो कि कोई छोटा या बड़ा, और मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर नॉलेज कहीं से भी मिले,
अगर मुझे नॉलेज, अगर मुझे ये लगता है ना मेरे स्टूडेंट से मिल रही है, मैं लेने को तैयार हूं। ये छोटा बड़ा ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ माइंड की थिंकिंग होती है। हम सभी इक्वल है, नेट होने के बाद वो भी प्रोफेसर है, हम भी हैं, और हम तो हैं भी नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। एटलीस्ट स्टूडेंट हमसे हैवी, यानी कि अपर लेवल पे, और मैं तो चाहता ही यही हूं कि हमारे स्टूडेंट ऐसे हो कि हाँ हम यहां हैं तो हमारे स्टूडेंट यहां हो। इसलिए क्या है, कभी भी ना माइंड के अंदर ये थिंकिंग, अपने आप को ना ये चीज मत दिखाइए, ईगो पे बात मत लेके आए, आप ये हो वो, आप कुछ नहीं हो और मैं भी कुछ नहीं हूं। सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है, और ना सोचे तो सब कुछ है। इसलिए क्या है कि स्टडी के मामले में कहते ना कि टीचर अगर आपके लिए कोई बुरा बोलता है या आपको धमकाता है, वो आपकी अच्छाई के लिए करता है। इसलिए क्या है कि किसी टाइप की ये चीज मत लेके आइए कि यार मैं अगर उससे पूछता हूं, या मैं उससे पूछती हूं, या मैं उससे स्टडी करूंगा, या मैं उससे स्टडी करूंगी, तो वो तो ये कहेगा इसको तो कुछ आता ही नहीं। कोई चीज ये कोई नहीं सोचता, सबको जो है सिर्फ ये पता होता है कि हाँ जो जैसा है। इसलिए क्या है, ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं होती किसी को भी, जैसे हम हैं वैसे ही रहो। कहने का मीनिंग ये है कि आपको ये लगता है आपकी तैयारी है अच्छी, ठीक है, आपको ये लगता है तैयारी आपकी नहीं है अच्छी, कहीं से सीखिए, आपके सर्कल से। पता क्या, कई बार तो क्या होता है, मैं ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, दो फ्रेंड है ए और बी, नाम नहीं लेऊंगा मैं। ए का क्या हो गया, दोनों नेट का एग्जाम देके आए, ए का क्लियर हुआ, बी का क्लियर नहीं हुआ। ओके, अब कुछ टाइम बाद नेक्स्ट एग्जाम में बी का क्लियर नहीं हुआ, बट बी ने जो है वो ए को ये बोल दिया मेरा भी क्लियर हो गया। अब दोनों क्या कह रहे, क्लियर हो गया। ओके, वो सोचता भी हो गया। अब क्या है, अब ये जो इसको डाउट आते, ये तैयारी कर रहा है या कर रही है, ये बी जो है ये ए से डाउट डिस्कस नहीं कर सकती, क्यों करेगी, तो ये कह तेरा हो तो गया था क्या है। अब वो प्रॉब्लम में, और वो जो एक झूठ है वो परेशान करे रखती है। इसलिए मैं ये कहूंगा इन चीजों में कुछ नहीं रखा, जो है हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, तैयारी कीजिए। ओके, इसलिए ऐसी चीजें मत बोलिए अपने सर्कल में या किसी को जिससे आपको बाद में कोई प्रॉब्लम हो। अच्छा, ये चीज मैं इस पे नहीं आना चाहूंगा, मेरा जो मेन पर्पज है आने का वो ये है कि हमारा जो फुल लेंथ के जो मॉक टेस्ट है वो हमारी स्टार्टिंग जो होगी 7 को फर्स्ट होगा हमारा, फिर 9 को सेकंड, 11 को थर्ड, 12 को फोर्थ, 13 को फिफ्थ, यानी कि 5 जो है मॉक टेस्ट लेने वाला हूं मैं, जिसके अंदर टोटल क्वेश्चन जो होंगे वही 120 क्वेश्चन होंगे, और आपको इन 120 में से ओनली 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, यानी कि 15 क्वेश्चन पार्ट ए में और 25 क्वेश्चन पार्ट बी में और 20 क्वेश्चन पार्ट सी में। जो पहले 3 टेस्ट होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो पहले 3 टेस्ट होंगे इनके अंदर, ए और बी में तो वही नेगेटिव मार्किंग जो एग्जाम में होती है 0.5 की, 0.75 की, और यहां जो है पार्ट सी के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये ए है ये बी है। क्या पार्ट ए पार्ट सी के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एग्जाम में, बट पहले जो दो टेस्ट लेने वाला हूं मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग रखने वाला हूं, और जो फोर्थ फिफ्थ होगा इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो पहले जो 3 टेस्ट है पार्ट ए के अंदर, तो नेगेटिव मार्किंग जो होगी 0.5 की, बी में 0.75 की, और पार्ट सी के अंदर भी यहां नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क्स की, पहले 3 टेस्टों में। और यहां जो आपका टाइम है, जो आपको कितने दिए जाते हैं, 3 आवर दिए जाते हैं यहां पे, यानी 3 आवर का मतलब होता है 180 मिनट। 180 मिनट ना देके मैं आपको देने वाला हूं 150 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे मैं आपको देने वाला हूं। वो इसलिए ताकि आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करो। आप जो स्टडी है, आपका जो पेपर है 2.5 घंटे के अकॉर्डिंग अगर लेके चलोगे, तो वहां 3 घंटे में आप अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि वहां का जो लेवल और यहां का लेवल में कुछ डिफरेंस होगा। क्यों, यहां फ्री माइंड से सोच पाओगे, वहां जो थोड़ा प्रेशर होगा ज्यादा आपके पास, इसलिए 30 मिनट का आप डिफरेंस लेके चलो उस प्रेशर का, उस प्रेशर को काबू में करने के लिए। ओके, तो इसलिए जो है हम
150 मिनट आपको देने वाले हैं और ये इसके अंदर 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, और आपको जो सॉल्यूशन है वो वीडियो के अंदर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। उससे ये होगा आपकी जो गलती है वो आपको पता चल जाएगी। जब हमारे ये मॉक टेस्ट चलेंगे उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना आपको, पूरा टेस्ट होगा, वहां से आपकी सारी चीज रिवाइज हो जाएगी, क्या ओडी है, क्या पीडी, सीओवी, इंटेगल, रियल, लीनियर, जो भी है आपका रिवाइज हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड मैं आपको ये कहूंगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सभी स्टूडेंट के लिए जो है फुल लेंथ का मॉक टेस्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। पहले देखो इनको मिला के जो हमारे टोटल टेस्ट जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे 45 टेस्ट। कितने हो जाएंगे? 45 टेस्ट हो जाएंगे ये मॉक टेस्ट मिलाने के बाद ये भी। और जैसा कि मेरा टारगेट तो क्या था, 40 के नियर था, 45 हमारे टेस्ट हुए हैं। तो इसलिए जो है हमारी क्लास नहीं ले पाए हैं, या फिर जो पहले से टेस्ट हमारे 3 मंथ से होते हुए आ रहे हैं अगर उसको नहीं कर पाए हैं, तो ये भी आपके लिए सुनहरा अवसर है कि ये जो मॉक टेस्ट है, ये जो 5 मॉक टेस्ट है, अब चाहो अब भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अब भी जो है अपने आप को कुछ देखो, अब यहां फुल लेंथ के चलेंगे, यहां से आपको ये पता चल जाएगा क्या आपको आता है क्या नहीं आता, या कई ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो एग्जाम में यूज होगी या जो क्वेश्चनों में लगती है वो आपको सिखा दी जाएगी, ताकि एग्जाम से पहले वो चीज आपको पता चल जाए और उस लेवल का क्वेश्चन अगर आपसे पुटअप किया जाए आप कर पाओ। इसलिए क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो है अब 7 दिसंबर से हम अच्छे से तैयारी करेंगे, और अब की बार जो हमारा टारगेट है वो ये है, दोबारा हमें नहीं करना, हमारा टारगेट ये है कि हमें दिसंबर का एग्जाम ही क्वालिफाई करना, इसी को निकालना और निकलेगा। कुछ मेहनत आपको करनी है, कुछ मेहनत मुझे करनी है। आप कहोगे सर हमें क्या मेहनत करनी है, आपको ये मेहनत करनी है कि ईमानदारी से टेस्ट देना है, टेस्ट के दौरान आपको ऐसे करना जैसे आप एग्जाम में बैठे हुए। मुझे क्या मेहनत करनी है कि आपको जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एक अच्छी ट्रिक के साथ एवरेज चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ओके, तो ऐसे आपको मिलना है, करना है, रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो अगर आपको नेट के लिए करवाना है। ओके, तो नेट का जो पहला जो हमारा मॉक टेस्ट है वो होगा 7 दिसंबर को। ओके फ्रेंड, तो मिलते हैं, आई होप आप सभी हमारे साथ हैं और आप सभी जो है मॉक टेस्ट आप देने वाले हैं। थैंक यू फ्रेंड।